चलते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तमाम इश्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। 17 से 19 की तुलना करूं तो 127% डकैती के अपराध में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। दूसरा अपराध अगर लेंगे लूट का, तो लूट में भी अगर 17 से इसकी तुलना की जाए तो लगभग 46% अपराध जो है वो बढ़े हैं। सबसे ज्यादा जो दुखदायी है वो बलात्कार है। बलात्कार मैं अगर यह अभिमान करूं कि मेरे समय में नहीं होता था तो मैं झूठ बोलता हूं, उस समय भी थे अपराध, लेकिन बलात्कारों की जो संख्या बढ़ी है वो आश्चर्यजनक है ना। 17 में जब बलात्कार की जो घटनाएं प्रदेश भर में रिकॉर्ड हुई थी वो 3,305 थी, इस साल जो रिकॉर्ड हुई है वो 5,997, इसका मतलब 6,000, इसका मतलब 81% बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में अधिक हुई है। केवल उससे ही ज्यादा नहीं, ये जो छोटी बच्चियों के साथ जिस प्रकार का रेप की घटनाएं हुई है जो बहुत ही शर्मनाक है, जिनमें कुछ बच्चियों को मारा भी गया है, वो भी मैं सोचता हूं कि राजस्थान रिकॉर्ड बना रहा है। मैंने 3 साल तक प्रयत्न करके आईपीसी अपराध में कमी लाने के कारण से राजस्थान जो मेरे चार्ज लेने के पहले अपराधों की दृष्टि से, महिला अपराध की दृष्टि से हिंदुस्तान में दूसरे पायदान पे था, मैंने प्रयत्न करके इसको चौथे पायदान पे ले गया, अर्थात मेरे से 3 राज्य और ऊपर आ गए। अब वापस राजस्थान दूसरे पायदान पर वापस पहुंच गया है अपराधों की दृष्टि से, हिंदुस्तान की सैन्य जो है वो दृष्टिकोण से देखिया। इसी तरह से आप देखा नकबजनी की घटनाओं में भी छोटी मोटी वर्धा नहीं हुई है, वो 43% हुई है, चोरी में 48% वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह है कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से, अब ये जो कहते हैं ना कि हमने बहुत फ्रीली, मैं सोचता हूं फ्रीली करते हैं तो वो आपका सेक्शन है, ये जो अन्य आईपीसी की धाराएं हैं इसमें कभी कोई करे न करे, कमी कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, गलती कर सकता है, तो उनके सामान्य अपराध है, इसमें दर्ज करने में कोई, लेकिन